दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल ने आज बल्ले से इतिहास रच दिया। गुजरात की सरजमी पर चौके व छक्के जड़ते हुए इस खिलाड़ी ने इस रफ्तार से शतक लगाया कि रोहित तो क्या मुंबई की पूरी टीम पगला गई थी। गिल के इस ऐतिहासिक शतक का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गिल, पांड्या और रोहित में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरे आईपीएल की राख छान लीजिए, आपको बल्लेबाजों में केवल एक ही नाम शिखर पर नजर आएगा, वो है शुभमन गिल, जिनकी किलर परफॉर्मेंसेस गुजरात की टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान डालती रही है। इस सीजन में अगर गुजरात की टीम 20 अंकों वाली पहली टीम बनी तो उसमें कम से कम 80% योगदान तो शुभमन गिल की धाकड़ पारियों का था। हमने देखा कैसे कोहली के सामने शतक लगाकर इस खिलाड़ी ने मिसाल कायम करी, लेकिन आज भी एक ऐसी पारी खेल दी जिसे रोहित शर्मा एंड कंपनी प्रिपेयर नहीं करके आई होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को जो जीतता वो फाइनल में जाता, इसीलिए आग तो बराबर थी दोनों टीमों में। ऊपर से ये गुजरात का घर है तो वो दहाड़ते हुए बैटिंग ना करें उन्हें शोभा नहीं देता। मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी चुन ली। उधर दोस्तों, गुजरात की टीम के लिए बल्लेबाजी में शुरुआत करने के लिए मैदान में शुभमन गिल और साहा ने कदम रखा, और दोस्तों कदम ऐसा रखा कि इसकी गूंज हर कोने में सुनाई पड़ रही थी। 6 ओवर तक टीम का स्कोर 54 के पार जा चुका था। इसमें रिद्धिमान साहा के 18 रन और बाकी किस जांबाज के थे, नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। दोस्तों, रिद्धिमान साहा पीयूष चावला की गेंद पर पहले खिलाड़ी बने अपना विकेट गंवाने वाले, लेकिन लगता है कि ये पहले और आखिरी लग रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल की पारी कुछ ऐसी थी कि आज 11 नहीं बल्कि पूरे 21-22 खिलाड़ियों के रन इस खिलाड़ी ने इस रफ्तार से लगाए जिसे देखकर हर कोई दंग था। इनके बल्ले पर लग रही हर एक गेंद गोली की रफ्तार से भाग रही थी। 700 से ज्यादा रन लगा चुके शुभमन गिल ने इस बार भी अपनी प्रतिभा को बड़े अच्छे तरीके से निखार कर सबके सामने रखा। दोस्तों, आज साहा आउट हुए तो इस खिलाड़ी को कोई परवाह ही नहीं थी। 30 गेंदों में यह 48 रन पर थे। चावला के एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर इन्होंने पूरे 16 रन निकाल दिए। और फिर आया दोस्तों पारी का 10वां ओवर। शुभमन गिल ने चौके व छक्के लगाकर इस ओवर की तीसरी गेंद पर अपना 50 पूरा किया और छक्के से ही इस ओवर का अंत भी किया। कार्तिकेय का ओवर था ये, लेकिन दोस्तों गिल का 50 पूरा होते ही उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी ये गलत सोच थी सबकी, बल्कि उल्टा तेज हो गई। शुभमन गिल ने देखते ही देखते अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए हर ओवर में 2 से 3 छक्के लगाने शुरू कर दिए। आकाश मडवाल पिछले मैच में 5 रन देकर 5 विकेट लेने वाला ये जाबाज प्लेऑफ में आज धूल चाटता नजर आया शुभमन गिल के सामने, जब 12वें ओवर में गिल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बैक टू बैक छक्के लगाकर इसी ओवर में अपने आप को 42 गेंदों में 79 रन पर पहुंचा दिया। फिर चावला को भी छक्का लगाया और 44 गेंदों में 7 छक्के 3 चौके लगाकर ये खिलाड़ी पूरे 87 रन बना चुका था। दोस्तों, अनडाउटेडली ये शुभमन गिल के शतक जैसी ही पारी थी, या फिर उससे बढ़कर भी कह लीजिए, क्योंकि जिस मुकाबले में ये आई है वहां पर शतक लगाने के लिए वाकई में जिगरा चाहिए। और दोस्तों, 44 गेंदों में 87 रन हुए ही थे कि चौके और छक्कों का सिलसिला चलता रहा और जड़ दिया शुभमन गिल ने शतक। शुभमन गिल का यही शतक दोस्तों लेकर गया गुजरात की टीम को 12वें ओवर में 150 के पार, और सब जगह मच गया था हाहाकार। रोहित भी दंग थे, पांड्या बेहद ही खुश थे, लेकिन एक आईपीएल में 2-2 शतक लगाने वाले शुभमन गिल चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं, और वो भी इतने युवा तो पहले। गिल के शतक के आगे आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।